हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक क्वेश्चन। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलाम्स फोर्स वर्सेस 1/r² एफ और 1/r² में ग्राफ पूछा है, आर स्क्वेयर और एफ में नहीं पूछा। वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेस, 1 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम एक पेयर, और दूसरा है 2 माइक्रोकूलाम और माइनस के 3 माइक्रोकूलाम, ये दूसरा पेयर है। इंटरप्रेट द ग्राफ्स ऑफ टेन। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, तो ग्राफ बिटवीन कूलाम्स फोर्स एफ एंड 1/r², इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना है। एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसके और इसके बीच में ग्राफ नहीं बनाना। देखो, इसमें अगर मैंने गोले बनाए हैं तो एफ और आर स्क्वायर में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपर बुलाएगा। लेकिन इस पूरे के साथ अगर देखें, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² कूलाम्स लॉ लगाते हैं ना, तो ये रिलेशन होता है। तो इसमें और इसमें कैसा रिलेशन है, इस पूरे में और इसमें कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इनके बीच में ग्राफ बनाना है पहले, ये वाली बात। ठीक है, तो किसके, एक पहले पेयर है आपका, फर्स्ट पेयर है 1 माइक्रोकूलाम और दूसरा है आपका यहाँ पे 2 माइक्रोकूलाम चार्ज है, और ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखें। एक पेयर तो ये है और दूसरा पेयर है 2 माइक्रोकूलाम और माइनस के 3 माइक्रोकूलाम, ये भी एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखें, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ईच पेयर ऑफ चार्जेस, आर जो है डिस्टेंस है वो ईच पेयर के लिए। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कूलाम्स लॉ लगाऊं तो देखो, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो एफ इज इक्वल टू कूलाम्स लॉ लिखें, 1/4πε₀ Q1 Q2/r² और एफ इज इक्वल टू 1/4πε₀, Q1 की वैल्यू 1 × 10⁻⁶ × 2 × 10⁻⁶ / r². तो यहां पर ये फोर्स जो है रिपल्सिव नेचर का है, रिपल्सिव, रिपल्सन है यहाँ पर बेटा। ठीक है, इस जगह पर अगर हम फोर्स देखें तो एफ इज इक्वल टू, इसमें भी लगाएं, 1/4πε₀ 2 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज कर लिया है, × 3 × 10⁻⁶ / r². अब देखो, यहां एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, दैट मीन्स यहां पे अट्रैक्शन है। तो जब हम ग्राफ बनाएं तो इस पर भी ध्यान रखें, ग्राफ में इस चीज को भी सोपा कर पाए कि एक रिपल्सन है और एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव को, है ना। तो एक एक बात समझिए, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव होगा, तो अब ये कह सकते हो कि पॉजिटिव फोर्स होगा अगर साइन पुट करें, लेकिन प्लस साइन यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड, हमने केवल मैग्नीट्यूड रखा है तो चार्ज का साइन पुट नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये चेक करने के लिए कि इसमें अगर दोनों चार्ज का साइन पुट कर दे तो फोर्स कैसा आता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव बता रहा है कि अट्रैक्शन है बेटा, और पॉजिटिव बता रहा है कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो, इसमें ये वाला जो फैक्टर है, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगर पता कर लें तब ग्राफ बना पाएंगे हम, है ना। तो जरा समझते हैं इसमें, फिर हम आगे। तो पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे ये Q1 चार्ज है, फिर ग्राफ बनेगा बेटा पूरा, ये Q2 है और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, R, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा या अट्रैक्शन लगेगा वो F इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 Q2/r². ठीक है, अब यहां से F × r² कर लो, R को इधर ले आओ, तो आप इसे ले सकते हो Q1 Q2/4πε₀। एक तो ये समझ में आया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं किसके बीच में ग्राफ बनाऊं, 1/r² में और एफ के बीच में, तो इस जगह पे देखो, अगर मैं यहां पर इस जगह फॉर्मूले से अगर कूलाम्स लॉ में देख रहा हूं तो एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² है,
तो ग्राफ हमने यहां पे किस किस के लिए लिखा है, वन अपॉन आर स्क्वायर, इस पूरे के और इसके बिटवीन ग्राफ बनाना है बेटा। एफ और आर स्क्वायर के बिटवीन ग्राफ नहीं बनाना, मैंने ऐसे नहीं लिखा बेटा, यहां आर स्क्वायर नहीं लिखा और यहां एफ नहीं लिखा, ना मैंने ये लिखा कि ये आर है और ये एफ है। अगर मैं इसमें और इसमें ग्राफ बनाऊं तो इनवर्स रिलेशन है, आर बढ़ेगा अगर इसमें आर बढ़ता है तो एफ घटेगा, लेकिन यहां पर देख रहे हैं तो इसके बिटवीन और इसके बिटवीन ग्राफ हमसे पूछा गया है। ध्यान से देखिए यहां पर एफ वर्सेस वन अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसमें इस स्ट्रेट लाइन की अगर मैं स्लोप निकालूं थीटा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो कितना लिख सकता हूं, टेन थीटा लिखना चाहें तो इसको ऐसे ट्राइंगल बना ले, तो देखो ये परपेंडर हो गया, ये बेस हो गया। अब ये परपेंडिकुलर वाली एक्सेस फोर्स ही तो है, परपेंडिकुलर वाली एक्सेस जो है ये वाली फोर्स एक्सेस है, तो ये जो वैल्यू होगी वो फोर्स की एक वैल्यू होगी, तो मान लो ये फोर्स कितना है, एफ है, और ये जो एक्सेस है वो वन अपॉन आर स्क्वायर की है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक ये वन अपॉन आर स्क्वायर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी इस पॉइंट पर, तो ये वन अपॉन आर स्क्वायर है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन टेन थीटा जो आया वो एफ इंटू आर स्क्वायर आया, ये क्वेश्चन नंबर टू। अब देखो ये कूलाम्स लॉ से निकाला और ये इस ग्राफ से निकाला, तो देखो यहाँ एफ आर स्क्वायर ये भी है और एफ आर स्क्वायर ये भी है, तो इन दोनों को अगर इक्वल कर लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जानते हो ये दो कॉन्स्टेंट टर्म है जिसमें क्यू वन और क्यू टू का जो प्रोडक्ट है वो जितना बड़ा होगा, प्रोडक्ट बड़ा होगा, स्लोप भी उतना ही बड़ा होगा। अब जरा चेक करूं इन दोनों में क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट इसमें ज्यादा है या इसमें, तो इसमें क्यू वन क्यू टू का जो प्रोडक्ट है वो है आपका टू इंटू टेन की पावर माइनस के ट्वेल्व, इसमें क्यू वन क्यू टू का जो प्रोडक्ट है वो है आपका सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस के ट्वेल्व, ठीक है ना भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स इंटू ट्वेल्व आ जाएगा, और इसमें करेंगे इन दोनों का तो ये आएगा, तो इसमें इसमें क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट ज्यादा है इससे, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप मोर होगा और इसका स्लोप स्मॉल होगा, और स्लोप अगर ज्यादा है तो देखो आर डिस्टेंस तो दोनों में बराबर बताई बताई गई थी क्वेश्चन में, डिस्टेंस अगर बराबर है और क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट इसमें ज्यादा, तो रिपल्सिव फोर्स कम है और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करना है, मैग्नीट्यूड भी किसका ज्यादा, डर्सन को भी रिप्रेजेंट करना है, तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका स्लोप स्मॉल है, तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, यहां पे लिख लोगे वन अपॉन आर स्क्वायर और इधर है ये आपका फोर्स पॉजिटिव और इधर है फोर्स नेगेटिव, देखो तो फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहे इसमें क्योंकि हम साइन पुट नहीं कर रहे, तो इस फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब ये वाला जो फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स है और नीचे वाला अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव क्योंकि नेगेटिव फोर्स आगे साइन रखते तो नेगेटिव आता तो अट्रैक्शन, इसलिए नीचे वाला नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव होता है इसलिए अट्रैक्टिव नीचे रखेंगे और रिपल्सन ऊपर रखेंगे, लेकिन ये वाला फोर्स कम है क्योंकि इसमें देखो इसमें क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट छोटा है, अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि जिसमें क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट छोटा होगा उसका स्लोप भी छोटा होगा, दैट मीन्स थीटा भी छोटा होगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो जब इसमें ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन इसके साथ जो एंगल आएगा ये थीटा वन, ये कौन से पेयर के लिए, वन माइक्रोकुलाम और टू माइक्रोकुलाम के लिए, और इसमें जब दूसरा ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप बड़ा रखना है ऐसे, ये स्लोप बड़ा रखेंगे थीटा टू, यहाँ पर थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, ठीक है, और अगर ऐसा करोगे तो इसमें स्लोप ज़्यादा करना था इसलिए ऐसा करेंगे, तो इस वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं ये ग्राफ किसके लिए है आपका, टू माइक्रोकुलाम और थ्री माइक्रोकुलाम। ग्राफ बनाते समय स्लोप का खास ध्यान रखें क्योंकि तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्यू वन क्यू टू के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और एक बात और नोट कर देंगे, इसमें ग्राफ भी बन गया, कह रहा है इंटरप्रेट द ग्राफ द ऑक्टेन, तो एक पॉइंट हमें ये समझ में आया कि ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है क्योंकि तो इसका स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ज्यादा है तो ये वाला फैक्टर ज्यादा, आर कॉन्स्टेंट टर्म है दोनों के लिए,
और ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, तो इसका स्लोप ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज, ये इस ग्राफ में है और इसको मैंने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट भी किया है ना मैग्नीट्यूड को भी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।